आज हम बताएंगे कि आप अपने पुराने एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और उसको रिपेयर करके कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर का जो भी सर्किट था पहले मेरे पुरानी एलईडी का, वो मैंने सारा सर्किट निकाल दिया है। ये एक एलईडी 12 वोल्ट की एलईडी है जो बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट शॉप में आपको मिल जाएगी। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये इस पे मैंने एक तार को पॉजिटिव टर्मिनल पर, एक तार को निगेटिव टर्मिनल पर शोल्डर किया हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक ये जो पुरानी एलईडी का मेरा कैप था इसको मैं लगा देता हूँ और इसको ये जोड़ दिया है। फ्रेंड्स, ये जो रेड वायर है ये मेरे पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, और ये वाइट वायर मेरे माइनस टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है एलईडी के। फ्रेंड्स, ये मेरी बैटरी की 12 वोल्ट बैटरी की पावर सप्लाई है, ये मेरे बैटरी से लिया हुआ है। इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब मैं अपने एलईडी बल्ब को कनेक्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एलईडी बल्ब 12 वोल्ट एलईडी बल्ब जलने लगा। इस तरह से आप मात्र 10 रुपये में अपने एलईडी बल्ब को, 12 वोल्ट एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कांटेक्ट थे उसको मैंने सोल्डिंग आयरन से गर्म करके निकाल दिया है, उसकी जगह पे ये मैंने दो तारों को इन होल द्वारा बाहर निकाल लिया है।